हाँ जी मनोचा, फैमिली के लिए आज बड़ा ही प्राउड दिन है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है जो कि आपके साथ शेयर करनी और साझी करनी, और ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है बहुत लोगों के लिए, जो हमने अपनी फैमिली में फाइनली हमारे एक मेंबर ने अचीव किया है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं आज की बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। गर्मी जो है ना थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू हो गई है, माथे पे जो हीट फील होनी शुरू हो गई है, मगर खुशखबरी की जहाँ तक ताल्लुक है तो पहली चीज जो छोटी चीज है वो ये तो ये कि मम्मी का वीजा फाइनली 48 घंटे के अंदर आ गया, कमाल हो गई। और हम जा रहे हैं जर्मनी, और जर्मनी घूमने का तो चलो एलिमेंट एक सेकेंडरी है, मगर ऐसे जबरदस्त बढ़िया काम से जा रहे हैं कि किसी भी फैमिली की बच्चा अगर वहाँ पढ़ने जाना चाहता हो फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी स्कॉलरशिप के, तो कैसे जा सकता है? हमारी फैमिली की एक बेटी जा रही है। आइए आइए, चलिए चलिए। अब जी हमारे ताया जी की पोती यानी कि बबलू भैया की बेटी यानी कि रक्षिता, जिससे आप हमारे कई पुराने व्लॉग्स में मिल चुके हैं, उसका एडमिशन हो गया है जर्मनी में, और वो भी ग्रेजुएशन के लिए जा रही है। ये नहीं कि मास्टर्स के लिए, मतलब पूरी पढ़ाई उसकी, चाहे वो बैचलर्स हो चाहे मास्टर्स हो, वो सारी फ्री में कर सकती है, एब्सोल्युटली फ्री, बिना किसी स्कॉलरशिप के। हाँ वो अलग बात है कि बच्चों के नंबर मार्क्स अच्छे आते हैं, स्टूडियस है, GPA उसकी बड़ी अच्छी कैलकुलेट हुई थी, वो सारी डिटेल हम जाके पूछते हैं। मगर जब मैं आया था यहाँ पे 2.5-3 साल पहले, मेरे ख्याल से सैंडर जब पहली बार इंडिया आई थी, 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, तो हम गए थे जी वहां पे, और सबसे पहले हमारी उस वीडियो के दौरान भी अगर लोगों को कुछ याद हो तो बात ये हुई थी कि उसको कनाडा बुलाने की सोच रहे थे कि भाई तू भी आ जा कनाडा आके पढ़ लियो, तो वो सोच रही थी कि वो फ्रेंच की क्लासेस उसी टाइम स्कूल में ले लेगी। मगर जब मैं लास्ट टाइम आया, मतलब मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले की बात है, लास्ट टाइम तो नहीं 1.5 साल पहले, तो मैंने उसको बोला कि यार अब कनाडा का जो सिस्टम है ना वो उतना बढ़िया रहा नहीं, प्लस फीस तो सारी अपनी जेब से भरनी पड़ती है, सबसे एक्सपेंसिव पार्ट यहाँ पढ़ने का फीस बहुत महंगी है, तो इसीलिए मैंने कहा यार एक जर्मनी की ऑप्शन कंसिडर करो, क्योंकि मेरी जानकार की कि बड़े लोग, मेरी एक बड़ी पुरानी फ्रेंड, मेरे कई एक दो क्लासमेट जो है वो सारे वहां पे गए हैं और वो सारे फ्री में पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जर्मनी की किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एजुकेशन इज फ्री इवन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो मैं उसको ये बात बोल के ही गया था, वो इतनी मतलब एम्बिशियस, उसने अपनी बात जो है अपने दिमाग में बिठा ली, 12वीं मेरे ख्याल से वो उस टाइम कर रही थी, वो उसने, अब मैं वापस आया तो मुझे पता लगा, वो कहती चाचू मैंने ना पढ़ाई के बाद साथ में मैक्स मिलर भवन में जर्मन का कोर्स भी ज्वाइन कर लिया था, और मैंने ए लेवल, मेरे ख्याल से लेवल उससे एग्जैक्टली पूछ लेंगे, उतनी जर्मन सीख भी ली और मार्क्स मेरे अच्छे थे, तो मैंने जो है 1 साल यहाँ पे, उस दौरान उसने पढ़ाई भी कर ली एक कॉलेज में, क्योंकि जो जर्मनी में ग्रेजुएशन की एजुकेशन ईयर्स की रिक्वायरमेंट है ना वो 12वीं+1 है, कि उतने साल की एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, तो उसने ग्रेजुएशन, उसने वो कोई भी हो सकती है, तो उसने ग्रेजुएशन का हाँ पहला साल जो है यहाँ पे पढ़ाई करी, तो उसके वो इयर्स क्वालिफाई हो गए, और उसी दौरान उसने जर्मन भी साथ साथ थोड़ी बहुत सीख ली, मगर उसकी जो एजुकेशन है वो पूरा इंग्लिश कोर्स है, जर्मन में नहीं होगी, वो इंग्लिश में ही है, तो जर्मन बेसिकली वहाँ पे कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत के लिए, जॉब्स के लिए हाँ बहुत काम आएगी, तो वो सारा काम उसने कर लिया। मैं बराया वो कहती चाचू तुम्हारा तो एडमिशन हो गया, मैंने कहा कमाल हो गई है, तो बड़ी जबरदस्त अचीवमेंट। और अब उसने कैसे करी, क्या उसकी जर्नी थी, थोड़ा बहुत उससे जाके पूछ लेते हैं। बाकी मोटी मोटी बात यह है कि जब मैं लास्ट टाइम आया तो फिर हमारा जर्मनी का प्लान ऐसा बना कि मैंने उसके पापा हुआ, मैंने कहा बेटी पहली बार जा रही है, ये क्या है, वो अब करना है इसको सेट करने के लिए, मैं तो कनाडा जाना ही है, तो मैंने कहा जब मैंने जाना ही है तो इसको हाँ मैं सेट करता हुआ जाता हूँ कि भैया इसको वहाँ पर सारा सिस्टम समझा भी देंगे, पहले वो कभी बाहर गए नहीं है, तो मैंने भैया होगा, मैंने कहा फिर एक काम करो आप भी चलो, आप भी कभी कहीं कंट्री के बाहर नहीं गए तो आप भी सिस्टम समझ लो, कल को आगे जाने में आसानी होगी। और अब हो जाएगी पूरी, मम्मी मैं बबलू भैया और रक्षिता चारों जा रहे हैं अपना फर्स्ट क्लास जर्मनी, और उसको सेटल भी करेंगे, घूमेंगे भी, और अपनी फैमिली के मेंबर्स को जिन्होंने पहले कभी जो इंडिया से बाहर ही नहीं गए उनको मैं यूरोप भी घुमा दूंगा। मैं भी चला जाता साथ में, बट मजबूरी है अपने को वापस पहुंचना, टाइम ज्यादा हो जाएगा, टाइम ज्यादा है, फिर वो कहते हैं जितनी छूट मिली ना भी फिर आगे मिला नहीं करेगी ऐसी छूट मेरे को। बिल्कुल जी पहुंच गए, जी पहुंच गए। यही वजह है कि चाचा जी का जो है ना पूरा पिंडा बिल्कुल मनोचा खानदान का जैसे एकदम गोरा है ना, जो जैसे वहां से बाकी जो फेस वाला पोर्शन है और हाथ है पूरे टैन है, क्योंकि धूप में मुंह करके सो जाते हैं। कैसे आई? हम गए थे भाई साहब हरिद्वार, वहां अपना जो है ताया जी उठे स्नान करने के लिए, भाई साहब इतने गोरी है पूरी फैमिली हमारी हम तो नहीं, हमसे पहले वाली जनरेशन।
आप कह नहीं पाओगे कि भाई सब बिल्कुल वाइट है अंदर से ही। तो छोड़ दो छोड़ दो। मजा आ गया। जिस टाइम पे पूरी छत हमारी खुला हुआ करती थी ना, यहाँ अपना जो है सर्दियों के टाइम पे डेली गाजर मूली काट के ऊपर नींबू डाल के बढ़िया खाया गया। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, हमारी फैमिली से पहली बार कोई लड़की जो है बाहर जा रही है पढ़ने के लिए। पढ़ेगी भी। चलो बहुत बहुत बढ़िया जो है खुशकिस्मती की न्यूज आई है। बाकी आपने बड़ी मेहनत करी है सारा हिसाब के बस लगे हुए थे पढ़ाई। अभी भी बड़ी गाइडेंस थी इनकी भाईजान, जगह बुक कराने में सारी होटल वगैरह। अब हमारा काम आ गया ना। पहले देखो जब तक एडमिशन लेटर लाने का काम उसका था, वो उसने बखूबी कर लिया। जर्मन भी सीख लिया। अभी वो आती है तो उससे पूछता हूँ कि जर्मन क्या सीखना जरूरी है एडमिशन लेने के लिए भी, या वैसे ही उसने सीख ली कि भाई वहाँ पे लिखा हुआ ये था उन्होंने कि जानवरी ए टू लेवल ले लेते हैं लोग नॉर्मली English course, so knowledge of Germany is not necessary for it. ठीक है mandatory नहीं थी, good to have है। चलो लिखा हुआ था किसी okay document के अंदर। चलो admission का काम हो गया। इसीलिए जी है हम थोड़ा सा busy भी चल रहे थे, मैं कहीं बाहर निकल भी नहीं पा रहा था घूमने वगैरह के लिए, क्योंकि कॉन्स्टेंटली जो है ना अपने को दो तीन प्लान बनाने थे जिनमें से एक चाइना का है, मेरा चाइना का वीजा था, मम्मी का यूरोप का था, भैया का टूरिस्ट वीजा था, हो गया और इसका क्या कहते हैं रक्षिता का स्टूडेंट वीजा था। तो हमने सारी देखनी थी। भैया का भी हमने ये, क्योंकि कोई प्रीवियस ट्रैवल नहीं है उनका, तो ये कह के हमने अप्लाई किया कि भाई इनकी बिटिया का एडमिशन हुआ है, 13 तारीख को बिटिया की पेपर जाने थे और 14 को हमने इनकी अपॉइंटमेंट ले ली। तो उसमें कहा कि हमने ऐसे ऐसे जो है इनका वीजा अप्लाई करना है क्योंकि अपनी डॉटर को जो है सेट करने के लिए वहां पे जाना चाहते हैं, और फिर उन क्योंकि जॉब करते हैं तो पूरी जॉब के उनके लीव के लेटर डॉक्यूमेंट सारे अरेंज करने, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट ये वो लटरम पटरम सारा करने के बाद फिर एंड में हुआ क्या 10 दिन मतलब रक्षिता का वीजा तो मेरे ख्याल से 9 दिन के अंदर ही आ गया। 9 दिन में आ गया। 9th day उसका वीजा आ गया और 10वें दिन उसमें थोड़ी गलती डेटों की गलती होगी। हाँ, डेटों की गलती हो गई थी। जर्मन एम्बेसी ने डेट जो है ना उसकी ज्वाइनिंग जो मतलब एक्चुअल स्कूल जो उसका शुरू होना है वो होना है April 15 से, उन्होंने उसको वीजा ही April 15 से दे दिया। मैंने कहा ला ये तो लफड़ा हो गया, हमें कम से कम जो है उसको पहले 10-15 दिन पहले तो जाएंगे ना, क्योंकि वहाँ पे उसके लिए अकोमोडेशन देखनी, लैंग्वेज का समझना, सिस्टम किसी को पता नहीं। फिर जर्मनी एम्बेसी गई, जाके बात करी, वहाँ रिक्वेस्ट करी, नेक्स्ट डे आ जाओ तो हम कर देंगे, ठीक कर देंगे। फिर उन्होंने 48 घंटे लगा के नेक्स्ट डे शाम को दे दिया बना के। थोड़ा उसको वहाँ बैठना पड़ा बट कोई बात नहीं, काम हो गया। और जैसे ही उसका काम हुआ इतने में जो है ना ईमेल आ गई बबलू भैया के वीजा के लिए, हम सब घबराना शुरू हो गए थे कि भाई उसका तो 9 दिन में आ गया, यहाँ तकरीबन 14 दिन हो गए हैं। तो उनकी मेल आ गई कि आप एक काम करो, आप जा रहे हो ना बेटी को सेटल करने तो अपनी बिटिया का वीजा और पासपोर्ट की कॉपी हमें जरा भेज दो। तो उन्होंने सिर्फ वही मांगे और कोई डिटेल नहीं मांगी। तो मैं समझ गया कि अगर ये मांगे है ना तो इसका मतलब वीजा मिल जाएगा। और उससे एक दिन पहले ही रक्षिता का वीजा आया था तो हमने वो भेज दिया उनको ईमेल पे ही। और उसके 2 दिन के बाद मतलब बीच में वीकेंड था, फ्राइडे को मेल आई थी, मंडे को पासपोर्ट की खबर आ गई, वीजा हाथ में, सब ऑफिशियल हो गया, अब सारे के सारे जा रहे हैं। हाँ, और इसलिए लंबा प्लान बनेगा और सैंड्रा भी जो है वहीं से हमें ज्वाइन कर लेगी कनाडा से। इसीलिए मेरा इंडिया आने का जो प्लान था ओरिजिनली सिर्फ 1 महीने का था, बट क्या कहते हैं 2 का हो गया क्योंकि हमने सोचा कि फिर हम मार्च एंड में जाएंगे, क्योंकि इसकी ज्वाइनिंग अप्रैल 15 से थी, इसीलिए बीच में थोड़ा सा स्लो चल रहा था और ट्रैवल में बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड एक चेंज आ गया। बट वीडियो चल रहे हैं भाई, सही चल रहा है, भगवान की दया चाचा जी। आपके पापा की दोस्त की फोटोग्राफी की दुकान थी, तो थोड़ा बहुत फोटोग्राफी उसके मिल मिल के उन्हें सीख ली थी साहब ने। अच्छा, तो बाद में उसके यहाँ नौकरी लगी तो वो तो अकाउंट्स में थी। अच्छा, लेकिन उनको लीबिया में फोटोग्राफर की जरूरत थी। अच्छा, क्योंकि वहाँ पर वो जो जो बेड डैम बनते हैं ना और उसमें जो डालते हैं तो सरिये की फोटो लेनी पड़ती है। अच्छा, सरिया पूरा डाला है कि नहीं डाला है। ओके, उस फोटोग्राफी की जगह पर उसको लीबिया भेज दिया। अच्छा ओके। तो भाई साहब हमारे फादर साहब भी थे वैसे अकाउंटेंट और बाद में वकील हो गए, मगर कैमरा ही जो है उनको भी ले गया था इंडिया से बाहर पहली बार। पहले से गया। और आपको आपको भी कैमरा ही घुमा रहा है। कैमरा ही घुमा रहा है। वाह 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 वाह, कमाल ही होगी। वैसे पुराना रिश्ता है इसको भी। तेरे ये जो ग्लासेस हैं ये फोटोक्रोमेटिक है या
वैसे ही काले हैं ये सनग्लासेस यही बनवाए हैं चश्मा यही बनवाया मैंने अच्छा लास्ट ईयर बनवा गया था ये वाले उससे पहले वाले विजिट के भी पड़े हैं मेरे पास दियो जरा एक बार मैं पहन के देखूं ये वाले एविएटर मेरे को थोड़े बड़े मेन नंबर वाले हैं हां तो क्या हो गया लुक ही देख ली है कैसा लग रहा है ज्यादा बड़ा लग रहा है ना सही तो लग रहा है ठीक लग रहा है और क्या बनवा लूं बनवा लूं ये और क्या मुसीबत मेरे साथ ये है कि मेरे कहते हैं इस नंबर पे जो मेरा नंबर है उसे पोलरॉइड नहीं बनते अच्छा नहीं तो मजा आया था तो मुसीबत वही है पर कोई नहीं काम चलता है इससे 40 का हो गया क्या ऐसी बात नहीं करते भाई यहाँ भाई पूछ रहे भाई क्या लोगे कोल्ड ड्रिंक जलजीरा ये वो मैंने कहा मैं तो देखो ये बिल्कुल शुगर नहीं ले रहा और मैंने कहा ये बिल्कुल किसी चीज़ को ना नहीं कर रहा क्योंकि इसको वहाँ मिलती नहीं है बीबी पीने नहीं देती इसी इसलिए हर चीज़ जो है ना भाई साहब मैंने कहा फिर भी कंट्रोल कर ले एक्सप्लॉइट कर यार तू अपने पेट को आज क्या खाना तूने जग्गी जगी हलवाई पर जाएंगे जो हमारे मतलब बचपन में बिल्कुल नहीं यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे जिसकी दो आइटम सबसे ज्यादा खाते थे एक समोसा और नाश्ते के टाइम पे हर संडे को महाभारत रामायण आती थी तो उस टाइम जो है पूरी छोले समोसा मेरा फेवरेट नहीं था वो तो समोसा शाम को मैं लेके आता था ना 5 बजे फ्रेश निकल देते ये नाश्ते वाली आइटम आएगी जो रामायण में देखते हो देखो हमारा बबल ट्रायल था हाँ उसके बाद पेट खराब नहीं हुआ तो अब सेकंड ट्रायल जगी होगा ठीक है पेट खराब ऐसे नहीं होता क्योंकि चीजें तो सारी ठीक है पेट खराब होता है जब आप अति मचा लो और बॉडी जो है जेट लैग के हिसाब से तैयार ना हो और एकदम बहुत सारी चीजें एक के बाद एक ठूसते चला जाओ वेरी गुड वेरी गुड मैं यही कह रहा था मैंने कहा मैं किसी चीज को हाँ नहीं करता ये किसी चीज को ना नहीं करता वहां परमिशन नहीं मिलती ना ये मुबारक हो वीजा की एंड एवरीथिंग बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तो आपस में अरे हमारे तो देखो आपस में तो सारी कोई हमारे लिए नई बात नहीं है क्योंकि हम 2 महीने से लगे हुए थे मगर बाकी किसी को पता नहीं है फर्स्ट टाइम बता रहे हैं कि वीजे आ गए हैं तैयारी पूरी है बाकी पैकिंग चेकिंग शुरू कर दी यार बाहर पहली बार जाने हमें तो समझ ही नहीं आ रहा क्या पैक करें क्या ना करें भरी है उसके अंदर 2 टैचियां और हैं वो पूरा सेट है जो आपको लगा टैची बड़ी भारी है उसके अंदर एक अच्छा हमने खोल के नहीं देखी है टैची बड़ी भारी मैंने कहा भारी नहीं है यार ये तो बड़ी हल्की होती है अंदर सूटकेस के अंदर मीडियम और स्मॉल पूरी किट है वो 3 की अब हमने जाने का प्लान किस हिसाब से बनाना है वो तो आगे हम डिस्कस करेंगे क्योंकि भैया अभी जा रहे हैं तो उसको सेट करके फिर थोड़ा घूमना भी जाया जाएगा ना क्योंकि जब बात हुई तो भैया कहते जाना तो जर्मनी है मैंने कहा यार जर्मनी से 3.5 घंटे में स्विट्जरलैंड है मैंने कहा फिर स्विट्जरलैंड ही घुमा रहा था आपको फिर भैया कहते ऐसी बात मत कर मुझे रात को नींद नहीं आएगी और आए भी नहीं चलो ये अच्छा हो गया वीजा लग गया वीजा लग गया यार ये बढ़िया हो गया अपना ऊपर वाले की दया से सीधा स्विट्जरलैंड मम्मी का आ गया जी वीजा आ गया हां 48 आवर्स पूरी तैयारी सब फाइनल हो गया 48 आवर्स हां हां 48 आवर्स पहले लगे हुए थे ना यूएस कनाडा और वो तो उन्होंने देखा होगा ट्रैवल करते रहे हैं तो फर्स्ट वाले में टाइम लगा प्रिविलेज मिल जाता है मंडे को दिया था वेडनेसडे शाम को आ गया बहुत बढ़िया चलो टेंशन खत्म अब बस चुटकी को बुलाएं और 2-4 जैसे मेन क्वेश्चंस पूछने वो पूछे फिर घूमने की तैयारी करेंगे बढ़िया रिमझिम वाले फ्लेवर है आज का जग्गी बजाना है ये इसको खाना है जग्गी मैं भी जाता हूं जग्गी तो फिर यहीं से ले लेवा से ले आएंगे ना बिल्लू की लस्सी के बिना कैसे काम करेगा अरे शर्मा रही है अभी शर्मा रही है कोई नहीं जल्दी आराम से फेमस हो जाए थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए फिर हमारा है तो बड़ा फेमस लेकिन उसे 500 रुपए से ऊपर की चीज मिलती नहीं है जो भी महंगी से महंगी मिठाई है 500 रुपए की है काजू कतली ऑर्डर दे के बनवानी पड़ती है बहुत बड़ी चीज है काजू कतली वहाँ पे लेना हाँ जी फिर बढ़िया आ गई है तो मैंने कभी क्वेश्चन पूछने और ये इसकी बेस्ट फ्रेंड है फिलहाल कॉलेज में कौन से कॉलेज में College of Vocational Studies. DU. तो उसने कहा कि भाई क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड जा रही है तो 20 दिन अभी दोनों साथ में इकट्ठे स्पेंड करेंगे यहाँ पे तो ये तो होगी जी पहली चीज दूसरी चीज सबसे पहले ये बताओ कि क्या जर्मन सीखनी मैंडेटरी है इस कोर्स के लिए जर्मनी में पढ़ने के लिए Unless and until आपका English taught program है तो German mandatory नहीं है but अगर आप German taught में जा रहे हो तो basically उनकी requirements होती हैं B1 तक अच्छा तो मेरा तो English taught program है तो मेरी IELTS requirement थी अच्छा और मैंने basic German सीखी है वहाँ पे communicate करने के लिए day-to-day life में okay किस level तक मैंने A2 तक सीखी है A2 तक yeah. तो B1 इसके बाद ही आता हो yeah. इसके बाद आता है अच्छा तो A2 तक सीखी हुई है तो basic आती है कितना time लगा है सीखने में मेरे को 1 ईयर 1 ईयर और कोई सर्टिफिकेट वगैरह मिला हाँ और इसमें कोई टेस्ट देना पड़ा मतलब दे सकता है बट मैं को सिर्फ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिला था मैंने टेस्ट नहीं दिया था अच्छा क्योंकि मैंडेटरी नहीं था और वैसे भी बहुत चार्जेस है 8,000 वो पर टेस्ट की लेते हैं तो मैंने तो नहीं दिया था टेस्ट ठीक है तो फिर मतलब IELTS से तो सस्ता है हाँ, बट वो मैंडेटरी नहीं था ना, IELTS मैंडेटरी था। तो IELTS इंग्लिश वाला ना तो उसमें कितने बैंड हैं
साढ़े छह में काम हो जाता है। अरे वाह वेरी गुड। रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है। कई कई यूनिवर्सिटीज 5.5 भी एक्सेप्ट कर लेती है और कई कई तो आईएलटीएस में देना भी नहीं पड़ता, सिर्फ आपको लिखवाना पड़ता है कि आपने 12 इयर्स ऑफ स्कूलिंग इंग्लिश में करी है। ओके ओके, चलो ये तो बहुत बढ़िया बात होगी। अच्छा, अब मेन चीज जिसे कहते हैं फीस। लोग ये कहते हैं कि भाई जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटी, पब्लिक यानी सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए तो आपका बिल्कुल पढ़ाई नहीं लगती, मगर पहले तो वहाँ जाने के लिए परसेंटेज कितनी चाहिए होती है? वैसे मिनिमम रिक्वायरमेंट तो आप चेक करोगे वेबसाइट पे, जो डार्ट की वेबसाइट है ऑफिशियल, उस पे तो 60% दिखाते हैं, बट कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मेरे 92% आए थे। नहीं मैं कौन सी क्लास 12th में 92 किस में? कॉमर्स में? किस कॉमर्स में? विद मैथ्स विदाउट मैथ्स? मैं विदाउट मैथ्स। बहुत बढ़िया गया। मेरा पापा ने एक साल विद मैथ्स जबरदस्ती मैथ्स दिलवा के करवा दी थी, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था और तब मैं क्लास में 3rd या 4th आता था, और जैसे ही मैथ्स छूटी मैं फिर फर्स्ट आने लग गया क्लास में। मगर वो अलग बात है कि उससे पहले मैं सिर्फ 62% बड़े मिनिमम नंबर लेके पास हुआ था 10वीं क्लास में, तो मेरा एडमिशन ही एक ऐसे स्कूल में हुआ था जिसमें सिर्फ 60% वालों ही एडमिशन लेने जाते थे, क्योंकि 70-80 वाले और बढ़िया स्कूल्स में जाते थे। मेरा कंपटीशन जो है वो क्लास में फिर 60% 70% वालों से होना शुरू हो गया। तो पहले मैं पास होने के लिए पढ़ता था, बाद में मैंने फर्स्ट आने के लिए पढ़ाई शुरू कर दी, तो ऑटोमेटिकली 12वीं में मेरे 82% आ गए इसी जज्बे में। तो बंदा कहता था कि हर बार टॉप के स्कूल में जाओ, तो मेरे साथ उल्टा हुआ था। मैं एवरेज स्कूल में गया जहाँ एवरेज नंबर लाने वाले बच्चे पढ़ते थे, और वहाँ पर मैं टॉप आने लग गया, तो वहाँ फिर मेरे 82% आ गए। एनीवे 92 वेरी गुड। अच्छा ये तो हो गया जी क्वेश्चन सॉल्व। अगली चीज फीस। लोग कहते हैं कि फ्री है तो वहाँ पे अब कितने पैसे देने पड़ेंगे जेब से पढ़ने के लिए? पब्लिक में तो कोई फीस नहीं है, बेसिकली एक सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होता है जो 15,000 से स्टार्ट होता है, 30,000 तक होता है, उसमें आपकी सेमेस्टर टिकट इंक्लूड होती है। वो क्या होती है? सेमेस्टर टिकट होती है कि मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे अच्छा। मान लो फ्रैंकफर्ट है, ठीक है, तो फ्रैंकफर्ट के अंडर ही जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा वो फ्री होगा मेरे लिए, वो मेरी सेमेस्टर टिकट में इंक्लूड होगा जो भी मैंने दी है। जैसे मैंने अपने कॉलेज की 30,000 दी है, तो 30,000 में मेरा सेमेस्टर टिकट इंक्लूडेड है। तो पर ईयर, पर ईयर। अब आपका तो एडमिशन फुल्डा में हुआ है, तो ये फुल्डा का सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है या फ्रैंकफर्ट का भी? फुल्डा का, जो बेसिकली जिस सिटी में हुआ है। फुल्डा 1 या 1.5 घंटा दूर है फ्रैंकफर्ट जो बड़ा शहर है वहाँ से, और वहाँ की अच्छी नोन एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एडमिशन हो गया। बाकी जी अब बंदा वहाँ पे जाता है तो जैसे कनाडा में तो जाने के लिए अब इन्होंने कहा है कि पूरी अपनी फाइनेंशियल डिटेल देने की बजाय आप बस एक अमाउंट ब्लॉक करा दो, जिसको वो GIC बोलते हैं, कि $10,000 जमा करा दो या 20,000 दो भी, और हर महीने हम आपको 2,000 देते रहेंगे, तो हमारी सरकार पे कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी कि हाँ आपके पास पैसे हैं वहाँ खर्च करने के लिए। जर्मनी में भी ऐसा कोई सिस्टम है? हाँ, जर्मनी में भी 11,208 यूरोस का ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाना होता है, वीजा की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, तो आपने उसमें पहले ही पैसे डाल दिए वीजा अप्लाई करने से पहले? हाँ, और वो आपको अपॉइंटमेंट थी, मैंने उससे पहले ही डाल दिए थे, क्योंकि अच्छा अकाउंट कंफर्मेशन लेटर दिखाना होता है। तो इसमें अब कितने कितने हिस्सों में आपको ये पैसे मिलेंगे? आई गेस अप्रॉक्स समथिंग 900 यूरोस पर मंथ आएंगे। 900 पर यूरोस पर मंथ इसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, तो उनको श्योरिटी है कि इसके पास अपने खर्चे डिसेंट निकालने के पैसे ऑलरेडी मौजूद हैं, जो कि एटलीस्ट एक साल के तो हैं ही। अब ये बताओ कि ये हर साल रिन्यू कराना पड़ता है या बस एक ही साल का ही है, क्योंकि आप तो कितना भी पढ़ सकते हो? नहीं, पर ईयर का दिखाना होता है 11208 पर ईयर का। तो मान लो आपकी एजुकेशन तो ये बैचलर्स कर रहे हो आप, तो 2 या 3 साल की होगी ना, तो हर साल ये कराना पड़ेगा आपको? हाँ, हर साल उनको शो करवाना पड़ेगा कि इसमें 11208 पड़े हैं, पैसे पड़े हैं, ठीक है, हर साल का रिन्यूअल। अब जी कनाडा में तो लगा लो 20 घंटे स्टूडेंट को मेरे ख्याल से काम करने देते हैं, जर्मनी में क्या सीन है? एक हफ्ते में पर वीक 20 आवर्स अलाउड है। अच्छा, तो आप काम कर सकते हो, और जो ऐसा भी होता है कि जो स्प्रिंग ब्रेक है जब कॉलेज नहीं चल रहा तो उसमें 40 आवर्स भी कर सकते हैं, तो फिर तो ठीक है, बंदा अपने खर्चे तो निकाल ही सकता है, फिर तो किराया ही निकालना है, पढ़ाई तो फ्री है। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, ये तो बहुत बढ़िया सीन है। मतलब लैंग्वेज आनी चाहिए कि वहाँ पे बंदा अगर हाँ कुछ जॉब ऐसी करनी है जिसमें पब्लिक इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। पढ़ाई है कितनी लंबी है? तो ग्रेजुएशन मेरी 3.5 इयर्स की है। और कोर्स कौन सा लिया है? मेरा बैचलर ऑफ साइंस इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। बैचलर ऑफ साइंस? अच्छा, बैचलर ऑफ साइंस इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, मतलब बिजनेस की साइंस सिखाएंगे? वही मैं कहूँ, बैचलर ऑफ साइंस मैंने सुना, मैंने कहा यार ये तो कॉमर्स बैकग्राउंड के बाद बैचलर ऑफ साइंस कैसे मिल गई, बट इंटरनेशनल बिजनेस है। वेरी गुड। हाँ जी, HR भी साथ में है? HR भी है साथ में? HR मेजर या माइनर होगा जो भी? हाँ।
इको कॉमर्स अकाउंट्स मैथ्स सब ये सब्जेक्ट जी। जर्मनी में कोई हमारे सब्सक्राइबर हो जिनको इस चीज का एक्सपीरियंस हो स्टूडेंट वगैरह तो मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हैं, हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी क्योंकि इसके लिए स्टूडेंट अकोमोडेशन हमने देखनी है, वो थोड़ा सा चैलेंज है। मेन टास्क हमारा वही है, जितनी जल्दी हम उससे फारिग हो जाएंगे उतनी जल्दी हम गाड़ी लेके घूमने निकल लेंगे स्विट्जरलैंड वगैरह की तरफ, हो सकता है थोड़ा बहुत इटली भी घूम लें, बट मेन हमारा काम यही है। तो इंस्टाग्राम मेरा नीचे मेंशन है, यू कैन मैसेज मी एंड वील गेट इन टच एंड वील सी के भैया थोड़ा सा हमें। अभी हमारी फ्लाइट की टिकट तो सारा काम हो गया, अब मेन जो तैयारी हमने करनी है वो ये है कि जब यहाँ से जाएंगे तो हम फ्रैंकफर्ट पहुँचेंगे, वहाँ से फिर फुल्डा कैसे जाएंगे, गाड़ी रेंट पर लेनी है, क्या करना है। और हम जा रहे हैं 28 मार्च को जो हमारी टिकट्स बुक हो गई हैं, मगर हमें बाद में पता लगा कि जब हम थर्सडे को पहुंच रहे हैं अगले फ्राइडे से गुड फ्राइडे है और फिर ईस्टर वगैरह की लॉन्ग वीकेंड आ गया, तो इसलिए वो भी थोड़ी हैसल हो सकती है। बट हमें कम से कम दिन के अंदर मेन जो प्रायोरिटी है वो है रक्षिता की अकोमोडेशन, वो सॉर्ट आउट करनी है ताकि उसके बाद हमारे पास इतने दिन बच सके कि एक हफ्ता एटलीस्ट जो है हम पूरा नेबरहुड एक्सप्लोर कर लें, क्योंकि भैया ने वापस आना है 11 तारीख को, तो तब तक इनको जितना मर्जी घुमा सके घुमा लें जितना हो सकता है। उसके बाद फिर मैं मम्मी और सैंड्रा थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, वो यूरोप के आगे के प्लान है अगर सब प्लान के मुताबिक चला तो।